आप क्या अपेक्षा करते हैं? और ये लोग चाहते हैं कि समाज ऐसे ही रहे, ऐसे रहेगा तभी ना नौवां पास आदमी को अपना नेता मानेगा। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार सेंसफुल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहां बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। भ्रष्टाचार कहां नहीं है देश में, नेता कहां झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में देश में ये स्थिति नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी बिहार में। कोई तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक से आकर बिहार में मजदूरी कर रहा है, कहीं देखा है आपने? आपके हमारे बच्चे रोज ट्रेन में बस में जानवरों की तरह बैठकर रोज मजदूरी करने जा रहे हैं। हम लोग की ये दुर्दशा है और हम लोग जबरदस्ती जिसको कहते हैं मुंहजोरी कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे थे, आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। आज आप 28वें नंबर पर हैं। आप अपने जिले की दशा देख लीजिए, समस्तीपुर में भी 2-4 फैक्ट्री उद्योग था, चीनी मिल था, पेपर मिल था, जूट मिल था। दूसरे राज्यों में इन फैक्ट्रियों से आगे नए नए फैक्ट्री लग रहे हैं। हम लोग यहाँ जो फैक्ट्री था वो भी बंद हो गया। कभी आपने नीतीश कुमार को चीनी मिल के बारे में बात करते सुना? आपने जूट मिल पर नीतीश कुमार का कोई वक्तव्य सुना? आपने कोई चर्चा सुनी कि भाई समस्तीपुर में पेपर मिल कैसे चालू हो सकता है? उनकी चर्चा क्या है कि दुनिया का नाश होने वाला है, मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं, यही आपका काम है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, आपको जो जनता ने काम दिया वो तो आप कर नहीं रहे हैं। सड़क बिजली पानी अस्पताल विद्यालय बना नहीं रहे हैं और दुनिया कब रहेगी और कब खत्म हो जाएगी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है डिल्यूजनल हो गए हैं, उम्र का असर हो गया है। नीतीश कुमार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उन पर उम्र का असर हो गया है। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जिलेबी की तरफ, उनको पता ही नहीं चलता है कि कह क्या रहे, फिर घुमा फिरा के उसी बात पर आ जाएंगे। आप किसी भी उनके पिछले एक साल के स्पीच को उठाकर देख लीजिए, ये एज का असर है, उम्र का असर है, डिल्यूजनल हो गए। सबको आ रहा है दुनिया के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहा है, मंच से अपने अफसरों पर अपशब्द बोलते हैं, कल परसों किसी अपने सलाहकार को मंच से बेइज्जत कर रहे थे, उससे पहले चीफ सेक्रेटरी को कुछ बोल रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे। तो नीतीश कुमार के बोलने का अब पहले जब ये बोलते थे तो एक संजीदगी होती थी, आज नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं इसको संजीदगी से आपको लेने की जरूरत नहीं है।